हाय बच्चों, वेलकम टू पेपर हैकर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे यूनिट 4 बीए पार्ट 1 सेकंड सेमेस्टर का जो है, बीए पार्ट 1 सेमेस्टर सेकंड का जो है यूनिट 4 का पॉलिटी सब्जेक्ट पॉलिटी जो है हम लोग देखेंगे। बीए पार्ट 1 सेमेस्टर सेकंड का पॉलिटी का यूनिट 4 देखेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे बोले हुए थे कमेंट में, तो वो हम लोग आज लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोग के लिए। तो ऑब्जेक्टिव टाइप कंपलसरी है बच्चों, ये कंपलसरी है आप लोगों के लिए जो है, तो ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखते रहिएगा। और जिस जो आप लोगों ने शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, वही आप लोगों का जो है यहाँ पर उसका डिटेल्स दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और सब्जेक्ट पॉलिटी है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बच्चों, वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक देखते रहिए। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित तत्व राज्य को अन्य समुदायों से अलग करता है। निम्नलिखित तत्व राज्य को अन्य समुदायों से अलग करता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ देखते हैं। और एक बात और बच्चों, पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दिया हुआ है, वो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे तरीके से डिटेल्स में वहाँ से ले सकते हैं आप डाउनलोड करके, ठीक है। तो आपको और अच्छे तरीके से चाहिए तो वहां से पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके और पढ़ते रहिए। देखिए यहाँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्व राज्य को अन्य समुदायों से अलग करता है। यह जो है अ भूभाग, ब प्रभुसत्ता, स प्रशासन और द जनसंख्या। यह जो है निम्नलिखित तत्व जो है राज्य को अन्य समुदायों से अलग करता है, भूभाग, प्रभुसत्ता, प्रशासन और जनसंख्या, ये क्या है बताइए क्या होगा। प्रभुसत्ता, प्रभुसत्ता जो है अन्य समुदायों से अलग करता है, ठीक है। सावरेंटी शब्द किस भाषा के सुपर नैस से बना है, सावरेंटी शब्द जो है किस भाषा के सुपर नैस से बना है, अंग्रेजी, लैटिन, संस्कृत, पोलक, बताइए। सावरेंटी शब्द जो है किस भाषा के सुपरमैन से बना है, अंग्रेजी के कि लैटिन के कि संस्कृत से कि पोलक से, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ किससे बना हुआ है, टू नंबर का आंसर क्या होगा बताइए, लैटिन। लैटिन जो है ये सुपरनेस सबसे बना हुआ। प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोच्च इच्छा होती है, यह किसने कहा, प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोच्च इच्छा होती है यह किसने कहा है, ठीक है। विलोबी, लॉस्की, जनेक्स, पोलक, बताइए। विलोबी जो है ये बोले हुए, ठीक है। प्रभुसत्ता की कानूनी अवधारणा में निम्नलिखित एक विशेषता नहीं है, प्रभुसत्ता की कानूनी अवधारणा में निम्नलिखित में एक विशेषता नहीं है, सर्वोच्चता, सर्वव्यापकता, शक्तिहीनता, अविभाज्यता, ठीक है। सर्वोच्चता, सर्वव्यापकता, शक्तिहीनता, अविभाज्यता, ठीक है, ये देखना हम लोग। तो फोर नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है बच्चों, फोर नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है उसका आंसर क्या होगा, ये शक्तिहीनता। शक्तिहीनता जो है ये प्रभुसत्ता की कानूनी अवधारणा में निम्नलिखित में विशेषता नहीं है, ठीक है। फाइव नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, फाइव नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोधा द्वारा लिखी रचना का निम्नलिखित में से क्या है, बोधा द्वारा लिखी रचना जो है का निम्नलिखित में से क्या है, पॉलिटिक्स, रिपब्लिक, लॉज, ले भी याथन, क्या होगा। फाइव नंबर का क्या होगा बच्चों, रिपब्लिक। रिपब्लिक जो होगा वो बोधा द्वारा लिखी रचना है, ठीक है। निम्नलिखित ने लोकप्रिय प्रभुसत्ता के सिद्धांत का प्रचार किया था, निम्नलिखित ने लोकप्रिय प्रभुसत्ता के सिद्धांत का जो है प्रचार किया था, कौन, हॉब्स, लॉक, बोंदा, रूसो, बताइए कौन किया था। देखिए बच्चों आपने तो लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप दोनों पढ़ा हुआ है, तो आप लोग तो आसानी से लगा सकते हैं, तो बताइए कौन किया था, रूसो, रूसो जो है किए थे।
निम्नलिखित प्रभुसत्ता पर एक प्रतिबंध है, प्रभुसत्ता पर जो है एक प्रतिबंध है, कानून बनाने की शक्ति, बाहरी प्रभाव से मुक्ति और संवैधानिक नियम और आंतरिक सर्वोच्चता, ये जो है प्रभुसत्ता पर एक प्रतिबंध है। कानून बनाने की शक्ति, बाहरी प्रभाव से मुक्ति, संवैधानिक नियम, आंतरिक सर्वोच्चता, ये जो है क्या है इसका आंसर बताइए, संवैधानिक नियम। संवैधानिक नियम जो है ये है प्रभुसत्ता पर एक प्रतिबंध। विभाजित प्रभुसत्ता का निम्न एक समर्थक है, विभाजित प्रभुसत्ता का निम्न एक समर्थक है, डी टॉकविली, अरस्तु, प्लेटो, मार्क्स, बताइए क्या हो। विभाजिता प्रभुसत्ता का निम्न एक समर्थक है, डी टॉकविली, अरस्तु, प्लेटो, मार्क्स, बताइए क्या होगा। एट नंबर जो है, एट नंबर क्या हो सकता है, डी टॉकविली, डी टॉकविली जो है ये इसका सिद्धांत का आंसर है, ठीक है। तो अब देखिए आप लोग जो है नाइन नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, क्योंकि समाज संघी है, समाज क्या है, संघी है, इसलिए सत्ता भी संघी होनी चाहिए, सत्ता भी क्या होनी चाहिए, संघी होनी चाहिए, यह किसने कहा था, यह किसने कहा था, मैकावियर, लॉस्की, बिस्मार्क, हिटलर, यह किसने कहा था कि क्योंकि समाज संघी है इसलिए सत्ता भी जो है वो संघी होनी चाहिए, यह किसने कहा था जो है बताइए, किसने कहा था। नाइन नंबर का आंसर क्या होगा बताइए, लॉस्की, लॉस्की जो है ये बोले हुए थे समाज संघी। कानूनी प्रभुसत्ता का निम्नलिखित में से कौन समर्थक है, कानूनी प्रभुसत्ता का निम्नलिखित में से कौन समर्थक है, मैकियावियर, लॉस्की, ऑस्टिन, क्रैप, मैकियावियर, लॉस्की, ऑस्टिन और क्रैप, ये कौन बोले हुए थे कानूनी प्रभुसत्ता का निम्नलिखित कौन समर्थक है। टेन नंबर जो है ये बताइए हम लोगों को, टेन नंबर का आंसर क्या होगा, ऑस्टिन, ऑस्टिन जो है ये बोले हुए। कानूनी संप्रभु का आदेश है, यह किसने कहा था, कानून संप्रभु का आदेश है, यह किसने कहा था, ऑस्टिन, क्रैब, लॉस्की, मैकावियर, बताइए कानून संप्रभु का आदेश है यह किसने बोला था, बताइए जॉन ऑस्टिन जो है ये बोले हुए थे। लेक्चर्स ऑन जुरिसप्रूडेंस किसकी पुस्तक है, ठीक है, जॉन ऑस्टिन की, हैविड की, ईगल की, लॉस्की की, 12 नंबर का बताइए क्या होगा, 12 नंबर का जो है जॉन ऑस्टिन की, लेक्चर ऑफ जुरिसप्रूडेंस जो है वो किसकी पुस्तक है, जॉन ऑस्टिन की। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, द मॉडर्न स्टेट किसकी पुस्तक है, ठीक है, मैकियावियर तथा पेज की, लॉस्की की, कोल की, नेहरू की, बताइए किसकी है, मैकियावियर तथा पेज की, लॉस्की की, कि कोल की, कि नेहरू की। 13 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा बताइए, क्या होगा 13 नंबर का, मैकियावियर तथा पेज की, मैकियावियर तथा पेज की जो है ये मॉडर्न स्टेट इसकी पुस्तक। पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ नामक पुस्तक के लेखक कौन है, हेराल्ड लॉसवेल, डेविड ईस्टन, हेनज इल्यू, बर्टेंड रसेल, बताइए क्या होगा। 14 नंबर जो है इसका क्या हो सकता है, कोई बता सकते हैं, हेराल्ड लॉसवेल जो है ये इसका आंसर है, ठीक है बच्चों। प्रभुसत्ता एक पूर्ण वस्तु है, उसे विभाजित करने का अर्थ है उसे नष्ट कर देना, यह कथन किसका है, यह कथन किसका है, लीवर, जॉन कोलहन, गॉर्नर और लॉस्की, किसका कथन है बच्चों, कोई बता सकते हैं। 15 नंबर जो है जॉन कोलहन जो है यह इसकी पुस्तक है नष्ट कर। जितनी प्रभुसत्ताएं होती हैं उतने ही राज्य होते हैं, जितनी प्रभुसत्ताएं होती हैं उतने ही राज्य होते हैं, यह किसका कथन है, यह जो है कथन किसका है, गेटिल का, गवर्नर का, डॉयसी का, मैकियावियर का, किसका कथन है बच्चों बताइए। 16 नंबर जो है ये गेटिल का जो है ये कथन है, ठीक है। बहुलवादियों के अनुसार प्रभुसत्ता का निवास है,
बहुलवादियों के अनुसार जो है प्रभु सत्ता का निवास है। क्या है बच्चों, देखिए यहाँ, एकमात्र राज्य में, एकमात्र राजा में, एकमात्र जनता में, कि राज्य के अंतर्गत समस्त समुदायों में, राज्य के अंतर्गत समस्त समुदायों में, ठीक है। तो 17 नंबर जो है, राज्य के अंतर्गत समस्त समुदायों में जो है ये प्रभु सत्ता का निवास है। लोक संप्रभुता के संस्थापक कौन थे? लोक संप्रभुता के संस्थापक जो थे वो कौन थे? बेंथम, रूसो, हॉब्स, लॉक, बताइए कौन थे? 18 नंबर जो है वो रूसो, रूसो जो थे लोक संप्रभुता के संस्थापक थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कानून का स्रोत नहीं है? कानून का स्रोत जो है वो नहीं है, रीति रिवाज, विधायिका, औचित्य, प्रजातंत्र, ये कौन सा कानून का स्रोत नहीं है? 19 नंबर का आंसर क्या होगा बच्चों? प्रजातंत्र। प्रजातंत्र जो है रीति रिवाज का कानून का स्रोत नहीं है। शक्ति का अर्थ है दूसरों को नियंत्रित करना, प्रभाव छोड़ना, आक्रमण करना, परिस्थितियों के अनुकूल चलना। शक्ति का अर्थ क्या होगा? ये जो है दूसरों को नियंत्रित करना, दूसरों को नियंत्रित करने की कोई पावर बोला गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 21 नंबर क्या कह रहा है? 21 नंबर, प्रभु सत्ता नागरिकों, प्रभु सत्ता नागरिकों व प्रजाजनों के ऊपर राज्य की सर्वोच्च शक्ति किसने कहा है? बर्गस, विलोबी, बोंदा, हीगल, बताइए किसने बोला है? 21 नंबर का आंसर क्या होगा बच्चों, बताइए? बोंदा, बोंदा जो है ये बोले हुए हैं कि राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता भी नहीं है, जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता भी नहीं है, यह कथन किसका है? ये तो कंपलसरी है, जहां कानून नहीं रहेगा वहां स्वतंत्रता कैसे होगी बच्चों, समझ रहे हैं ना आप लोग? तो हॉब्स बोले हुए हैं, कि लॉक बोले हुए हैं, कि डायसी बोले हुए हैं, कि विलोबी बोले हुए हैं, बताइए। यहाँ कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती, यह कथन किसका है? हॉब्स, लॉक, डायसी, विलोबी, बताइए। 22 नंबर जो है ये जो है कौन बोले हुए हैं? लॉक, लॉक बोले हुए। कानून का सर्वमान्य स्रोत है, सर्वमान्य स्रोत है परंपरा तथा रीति रिवाज, धर्म, कानून की टीकाएं, विधान मंडल, ठीक है। 23 नंबर जो है क्या है बच्चों? विधान मंडल, विधान मंडल जो है ये कानून का सर्वमान्य स्रोत है, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ, राज्य कानून का शिशु एवं अभिभावक दोनों है, राज्य जो है कानून का शिशु भी है और अभिभावक भी है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? लॉस्की का, कि बॉर्कर का, कि मेटलैंड का, कि मैकाबियर का, किसका कथन है बताइए बच्चों? लॉस्की का, कि बॉर्कर का, कि मेटलैंड का, कि मैकाबियर का, बता सकते हैं आप कोई? किसका कथन है बताइए? मैकाबियर का ये कथन है, मैकाबियर का, देखिए द नंबर मैकाबियर का। 25 नंबर देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से कौन कानून का स्रोत नहीं है? कौन जो है कानून का स्रोत नहीं है ये बोला गया है? रीति रिवाज, ब धर्म, स व्यवस्थापिका और द शिक्षण, कौन सा नहीं है बच्चों कानून का स्रोत जो है वो कौन सा जो है नहीं है ये देखना है। तो शिक्षण, शिक्षण जो है ये कानून का स्रोत नहीं है, ठीक है। 26 नंबर देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, विश्लेषणात्मक सिद्धांत का निम्नलिखित में से कौन समर्थक है? विश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है उनका समर्थक कौन है? मेटलैंड, क्रैब, लॉस्की, ऑस्टिन, बताइए क्या होगा? मेटलैंड, क्रैब, लॉस्की, ऑस्टिन, क्या होगा? 26 नंबर का जो है ऑस्टिन जो है वो समर्थक, इनमें कौन समर्थक विश्लेषण? निम्नलिखित में से कौन से कानून के ऐतिहासिक सिद्धांत का समर्थक है? ऐतिहासिक सिद्धांत का समर्थक है पाउंड, विलोबी, हेनरी मैन और कॉन्ट,
बताइए कौन जो है ऐतिहासिक सिद्धांत का समर्थक है, बता सकते हैं कोई? हेनरी मैन, हेनरी मैन जो है ये ऐतिहासिक सिद्धांत का समर्थक है। निम्नलिखित में से कौन विद्वान कानून व नैतिकता को अलग अलग रखता है? कौन विद्वान, वह विद्वान का नाम पूछ रहा है कि नैतिकता को और कानून को डिफरेंस डिफरेंट अलग अलग पार्ट में जो है रखा हुआ है, वो कौन रखा हुआ है? बच्चों देखिए यहाँ, प्लेटो, अरस्तु, गांधी या मैकियावेली, कौन रखे हुए हैं कोई बता सकते हैं? 28 नंबर जो है मैकियावेली, मैकियावेली जो है ये रखे हुए हैं अलग अलग विद्वान और नैतिकता को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर, कानून का अंग्रेजी शब्द से निकला है, कानून जो है का अंग्रेजी शब्द से निकला है, क्या निकला है बताइए? कानून का जो है अंग्रेजी शब्द से निकला है लॉग, लैग, लॉग, लीग। तो लैग जो है ये निकला हुआ है, कानून का अंग्रेजी शब्द से क्या निकला हुआ है? लैग, सॉरी, 100 नंबर, लॉग, लॉग हो जाएगा, ठीक है? ये लॉग जो है कानून का अंग्रेजी शब्द से निकला है, ठीक है, ब नहीं स होगा। नेक्स्ट देखिए, 30 नंबर जो है क्या होगा? लॉग शब्द का शाब्दिक अर्थ, लॉग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक है? लॉग शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछ रहा है कि शाब्दिक अर्थ क्या है? स्पष्ट करना, सुनिश्चित करना, कि सबल करना, कि सहन करना। अरे लॉग शब्द का शाब्दिक अर्थ सुनिश्चित करना है, ठीक है बच्चों? निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे कानून का लक्षण नहीं है? अच्छे कानून का लक्षण नहीं है ये पूछ रहा है, सरलता, स्थिरता, अस्पष्टता, जटिलता। अरे कौन अच्छे कानून का जो है स्रोत नहीं है? जटिलता, जटिलता जो है ये अच्छे कानून का स्रोत नहीं है। अच्छे से पढ़े होंगे तो सारा क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है? अच्छे से समझ में आए होंगे ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग टाइप सॉरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन, तो देखते रहिए वीडियो में, बने रहिए। 32 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कानून का स्रोत नहीं है? कौन सा कानून का स्रोत नहीं है? रीति रिवाज, विधायिका, औचित्य और अधिनायक तंत्र, ठीक है? 32 नंबर का जो है बच्चों अधिनायक तंत्र जो है कानून का स्रोत नहीं है, अधिनायक तंत्र, ठीक है? तो नीचे यूनिट 5 देखते हैं बच्चों, यूनिट 5 में क्या कह रहा है? इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन है, तो कैसे आप लोग करेंगे? तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है बच्चों देखते हैं, शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? पहले भी करा चुके हैं, शक्ति की अवधारणा जो है यह किसने दी, इसको देखना है हम लोग को, ठीक है? तो शक्ति की अवधारणा कौन दी है बच्चों? मैकियावेली, लॉसवेल, कार्ल मार्क्स, बेकर। तो मैकियावेली जो है शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम ये दिए, ठीक है? सेकंड नंबर देखिए, द पॉलिटिक सिस्टम, द पॉलिटिकल सिस्टम के लेखक कौन है? पॉलिटिकल सिस्टम के लेखक कौन है? हेराल्ड लॉस्की, गॉर्नर, लूसियन पाई, डेविड स्टन, बताइए क्या होगा? सेकंड नंबर क्वेश्चन का जो होगा डेविड स्टन, डेविड स्टन जो है ये दिए हुए थे पॉलिटिकल सिस्टम। राजनीतिक संबंधों का लक्ष्य सदा ही मनुष्यों के द्वारा शक्ति की खोज है, किसने कहा है? बर्टेंड रसेल, लॉसवेल, कैटलिन, मेरियम, बताइए। 3 नंबर जो है कौन लिखा हुआ है? कैटलिन, कैटलिन जो है ये लक्ष्य सदा ही मनुष्यों के द्वारा शक्ति खोजिए। राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान किसने कहा है? राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान बोले हुए हैं, कौन बोले हुए हैं बच्चों बता सकते हैं आप लोग? ये बोले हुए हैं कैटलिन की, रसेल की, गांधी की, ये सभी, तो कौन बोले हुए हैं राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान? कैटलिन बोले हुए, कैटलिन जो है ये बोले हुए। पावर पॉलिटिक्स किसकी रचना है? पावर पॉलिटिक्स जो है ये किसकी रचना दी गई है?
चॉल्स ई मेरियम, लोनेन, गांधी, इनमें से कोई नहीं। बताइए, पावर पॉलिटिक्स की रचना जो है किसकी दी गई है? चॉल्स ई मेरियम, चॉल्स ई मेरियम के द्वारा जो है पॉलिटिक्स की रचना की गई है। अगला देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। अधिनायक तंत्र का विलोम पूछ रहा है बच्चों, अधिनायक तंत्र का विलोम है लोकतंत्र, साम्यवाद, आदर्शवाद, व्यवहारवाद। बताइए, अधिनायक का विलोम शब्द है लोकतंत्र, अधिनायक का विलोम शब्द कौन है? लोकतंत्र जो है अधिनायक का विलोम शब्द है। अधिनायकवाद के कट्टर समर्थक थे, अधिनायकवाद के कट्टर समर्थक थे कौन थे? मुसोलिनी, सिसरो, माओ, उदारवादी। बताइए कौन थे अधिनायकवाद के कट्टर समर्थक जो थे वो कौन थे बच्चों? बताइए 7 नंबर क्वेश्चन का जो है मुसोलिनी, ये अधिनायकवाद के कट्टर समर्थक थे। डेमोक्रेसी शब्द, डेमोक्रेसी शब्द डेमोस से निकला है, जो कि रोमन भाषा का शब्द है, कि लैटिन भाषा का शब्द है, कि ग्रीक भाषा का है, कि इनमें से कोई नहीं? बताइए, यह जो है ग्रीक भाषा का एक शब्द है। डेमोक्रेसी जो निकला हुआ है यह ग्रीक भाषा का एक शब्द है, ठीक है। तो आधुनिक प्रजातंत्र किसका रूप है? आधुनिक प्रजातंत्र जो है ये किसका रूप है? जनता के रूप, जनता के प्रजातंत्र के रूप में, समाजवादी प्रजातंत्र का रूप है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का रूप है, कि प्रतिनिधि प्रजातंत्र का रूप है? तो यह जो है आधुनिक प्रजातंत्र जो है प्रतिनिधि प्रजातंत्र का रूप है, ठीक है। प्रजातंत्र शासन है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रजातंत्र शासन है मतदाता का, कि संसद सदस्यों का, कि जनता का, कि प्रशासन का। बताइए, प्रजातंत्र जो है वो शासन है किसका है? बताइए, अभी मैंने क्वेश्चन कराया आप लोगों को कि प्रजातंत्र जो है वो शासन है, ये किसका है? क्या होगा ऑप्शन 10 नंबर का? बताइए, जनता का। जनता का प्रजातंत्र जो है, प्रजातंत्र तो जनता के द्वारा ही ना लगेगा बच्चों, जनता के द्वारा जो है मत होगा और जो है उसमें जीतेगा तो पब्लिक का वो नेता बनेगा, तो प्रजातंत्र के द्वारा जो है जनता का शासन है ये। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहाँ है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहाँ है? भारत में, श्रीलंका में, स्विट्जरलैंड में, नेपाल में। बताइए, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है वो कहाँ है? वो जो है नेपाल में है, नेपाल में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पाया जाता है। मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? लॉस्की, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, लॉर्ड ब्राइस। बताइए, 12 नंबर क्वेश्चन का जो है लॉर्ड ब्राइस जो है वो इसके पुस्तक के लेखक हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थक है? कौन जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थक है? मार्क्स, हॉब्स, लॉक, रूसो। बताइए कौन है? रूसो जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र के समर्थक हैं, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय के सिद्धांत के समर्थक कौन है? लेनिन, स्टॉलिन, मोस्का, जीएल मिल। बताइए, लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के समर्थक कौन है? लेनिन, स्टॉलिन, मोस्का, जेएस मिल। 14 नंबर क्वेश्चन जो है ये क्या है? मोस्का, मोस्का जो है ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र के समर्थक पाए गए हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अनेक साधन हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के क्या हैं? अनेक साधन हुए हैं, उनमें से सर्वाधिक लोकप्रिय दो साधन कौन से हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अनेक साधन हैं, उनमें से सर्वाधिक लोकप्रिय जो है वो दो साधन कौन से हैं? चुनाव और राजनीतिक दल, जनमत संग्रह का और आरंभिक, और नगर सभाएं और संसद, राजनीतिक दल और प्रेस। बताइए, पढ़े हैं आप लोग तो इस क्वेश्चन को, बताइए क्या होगा? जनमत संग्रह और आरंभिक, ये जो है उनमें सर्वाधिक लोकप्रिय दो साधन
प्रत्यक्ष लोकतंत्र में है जनमत संग्रह और आरंभिक। शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है, शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है, किसका कथन है बच्चों? सुकरात का, प्लेटो का, थ्रेसिमेक्स का और ग्लॉकन का। शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है यह किसका कथन है? जो है सुकरात, प्लेटो, थ्रेसिमेक्स, ग्लॉकन, यह किसका कथन? 16 नंबर का देखते हैं हम लोग, थ्रेसिमेक्स जो है इनका कथन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, न्याय भय का शिशु है, किसका कथन है? न्याय जो है भय का एक शिशु है, किसका कथन है? प्लेटो का, अरस्तु का, ग्लाउकन का, स्टीफॉलस का। 17 नंबर का बता सकते हैं कोई? ये ग्लाउकन का सिद्धांत है बच्चों। देखिए, ये न्याय का भय जो है ये ग्लाउकन का सिद्धांत है। न्याय को सद्गुण के रूप में किसने परिभाषित किया? न्याय को जो है सद्गुण के रूप में किसने परिभाषित किया है? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स। बताइए 18 नंबर क्वेश्चन का जो है क्या होगा आंसर? प्लेटो। प्लेटो जो है ये न्याय को सुकरात का सद्गुण के रूप में परिभाषित किया। न्याय का आधारभूत तत्व कौन सा है? न्याय का आधारभूत तत्व पूछ रहा है बच्चों, सत्य एवं स्वतंत्रता, असमानता, हिंसा, परतंत्रता। बताइए न्याय का आधारभूत तत्व जो है वो कौन सा है? जो है न्याय का आधारभूत तत्व सत्य एवं स्वतंत्रता जो है, ये आधारभूत तत्व है। ठीक है, राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है, राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या है? राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग लेना, देश की स्वतंत्रता, प्रतिबंधों का अभाव, धर्म की स्वतंत्रता, ये राजनीतिक स्वतंत्रता के तात्पर्य हैं। कौन कौन है बच्चों? 20 नंबर जो है ये राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग लेना, यही जो है राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है। जहां नियंत्रण होते हैं वहीं स्वतंत्रता का अस्तित्व होता है। जहां नियंत्रण होते हैं वहीं स्वतंत्रता का अस्तित्व होता है। ये मिल बोले हैं, लॉस्की बोले हुए हैं, कैटलिन बोले हुए हैं, कि विलोबी बोले हैं। बताइए बच्चों 21 नंबर का आप जो है विलोबी जो है ये बोले हुए हैं कि जहां नियंत्रण होते हैं वहीं स्वतंत्रता का अस्तित्व होता है। 22 नंबर देखिए, अधिकारी का महत्व कार्य, अधिकारी का महत्व कर्तव्यों के संसार में ही, अधिकारी का महत्व कर्तव्यों के संसार में ही है, यह कथन किस विचारक का है? यह कथन जो है किस विचारक का है? लॉस्की, वाइल्ड, ग्रीन, गांधी। अधिकारी का महत्व कर्तव्यों के संसार में ही है, यह कथन किस विचारक का है? लॉस्की, वाइल्ड, ग्रीन और गांधी। तो 22 नंबर देखते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, 22 नंबर जो है, 22 नंबर का क्या होगा बच्चों? वाइल्ड जो है ये अधिकारी कर्तव्यों के संसार में ही कथन है, यह इजी का विचारक वाइल्ड का। मत देने का अधिकार किस श्रेणी में आता है? मत देने का अधिकार किस श्रेणी में आता है? सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, नैतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार। बताइए मत देने का अधिकार किस श्रेणी में आता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, ये राजनीतिक अधिकार में आता है, ये राजनीतिक अधिकार है आपको मत देने का। ठीक है बच्चों, 24 नंबर देखिए, इस का जो है 24 नंबर जो है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का यूनिट 5 का लास्ट क्वेश्चन है। चुनाव लड़ने का अधिकार किस स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है? चुनाव लड़ने का अधिकार किस स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है? प्राकृतिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। बताइए चुनाव लड़ने का अधिकार जो है किस स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है? तो राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है चुनाव लड़ने का अधिकार आता है। इस तरह यूनिट 5 जो है बच्चों आपका कंप्लीट हुआ। अब यूनिट 6 नेक्स्ट वीडियो में अगले मिलेंगे, और इसका PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग अच्छी तरीके से कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर बरेली।